हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा स्पेस वाई। पहले तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हो और मुझे इतने भर भर के कमेंट कर रहे हो, और मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके कमेंट का वीडियो बना के जवाब दे सकूँ और आपकी जो क्वेरीज हैं उनको मैं सॉल्व कर सकूँ। सो फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो में मैं एक कमेंट के बारे में बात करूँगी। मुझे बहुत सारे पुरानी प्रीवियस वीडियोज़ में मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि उनको ये आप जो सिम्टम बता रहे हो वो उनको मिल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ने उनको ये बताया है, डॉक्टर ने उनको उन्होंने कहीं इधर उधर से लोग अपने प्रेडिक्शंस दे देते हैं, कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं या कुछ होते हैं स्टाफ से लोग होते हैं जो इधर उधर से पता लगा के बता देते हैं कि स्कैन आपका स्कैन रिपोर्ट देख के बता देते हैं कि गर्ल है कि बॉय है, मतलब जेंडर रिवील करने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे हम सबको पता है इंडिया में ये इलीगल है, इंडिया में आप अपना जेंडर रिवील नहीं करवा सकते। सो ये चीज़ सिर्फ हमारे साथ नहीं है कि हम करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, ये चीज़ डॉक्टर्स और ये मेडिकल अथॉरिटीज के लिए भी होती है कि वो भी ये काम नहीं कर सकते, और वो सिर्फ ना करने के लिए नहीं कर सकते, वो कर ही नहीं सकते, उनको अलाउड ही नहीं होता है। उनके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर भी आय होती है जो उन्हें देखती है कि वो ये कर सकते हैं कि नहीं, और आपने देखा ही होगा जो भी ये करने की कोशिश करते हैं उनका पता चल ही जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, मैंने काफी सारे ऐसे केसेस सुने हैं अपने आसपास कि किसी ने उनको ऐसे प्रेडिक्ट करके या उनका स्कैन रिपोर्ट देख के ऐसे बोल दिया कि आपको तो ये है, लेकिन वो चीज फिर गलत निकल जाती है। और हाँ दोस्तों, ये बात सच है कि इंडिया में बहुत ज्यादा केसेस हैं कि लोग बताते तो हैं पर वो हमेशा सच नहीं होता है। रॉन्ग जेंडर प्रेडिक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है इंडिया में, ये होता है, बिल्कुल होता है। और इससे क्या होता है ना कि जिनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है वो इधर उधर पता लगाते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो बोल देते हैं आपका ये कुछ भी देख के कि आपको ये है वो है। कहने का मतलब ये है कि जब इंडिया में डॉक्टर्स इस बात का पता लगा ही नहीं सकते, जब डॉक्टर्स जब आपकी स्क्रीनिंग हो रही होती है, जब आपका स्कैन हो रहा होता है, जब डॉक्टर उस चीज़ तक भी नहीं पहुँचते क्योंकि उनके ऊपर भी आय होती है, वो ये काम नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं तो जो गवर्नमेंट है उसको पता चल जाता है, ऐसा मैंने सुना है कि ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं डॉक्टर के कहाँ पे ये काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो डॉक्टर्स वो करने की कोशिश भी नहीं करते। तो जब डॉक्टर ने अपनी स्क्रीन पे वो करने की कोशिश नहीं की तो उसकी फोटोग्राफ्स जो आपके स्कैन फोटोग्राफ्स है उनको लेके आप किसी रैंडम बंदे को दिखाते हो तो वो कैसे बता सकता है। सो ये बिल्कुल फेक होता है। सब लोग जो होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं या जो मेडिकल लाइन में होते हैं, वो लोग सिर्फ अपना अंदाज़ा लगाते हैं। अंदाज़ा हम सब लगा सकते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये है या वो, ये गर्ल है कि ये बॉय है, पर आप 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो तो जो स्क्रीनिंग करता है डॉक्टर वो भी वो करने की कोशिश नहीं करता, तो उन फोटोज़ को देख के कोई और कैसे कर सकता है। सो पहले तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ये जो आप किसी को भी अपनी रिपोर्ट दे देते हैं और कोई भी आपको बता देता है, ये 100% श्योर नहीं होता। तुक्का लग जाता है लोगों का कि बोल दिया कि गर्ल है तो गर्ल निकली, बॉय बोल दिया तो बॉय निकला, इन लोगों का तुक्का लग जाता है, पर इसको आप 100% या 80% भी कोई ठीक से नहीं बता पाता जेंडर के बारे में। दूसरा, कहते हैं कि 9-10 वीक से आपका जेंडर बनना स्टार्ट हो जाता है और 11 वीक के बाद आप अपना जेंडर चेक कर सकते हैं। पहले तो मैं ये बता दूँ, जेंडर जो आप देखते हैं, आपको कन्फर्म जेंडर जो देखना होता है, जो मैं फॉरेन कंट्रीज की बात कर रही हूँ, इंडिया में तो खैर देख ही नहीं सकते, वो आपका 20 वीक वाले स्कैन पे होता है, जो एनोमली स्कैन होता है उसी में ही आपको 100% जो एक्यूरेट जेंडर होता है वो पता चलता है, मतलब वो तब दिखता है। उसके पहले तो वो बच्चा इतना टाइनी है कि वो कुछ दिखेगा ही नहीं, और एक्चुअल में फ्रेंड्स ऐसा ही होता है कि बच्चा बहुत टाइनी होता है, उसमें चीज़ें दिखती नहीं है, और जो प्रिडिक्ट करने वाले हैं वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं और आप उन बातों को सच मान लेते हो, और जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ और ही जेंडर निकलता है, आपको कुछ और ही बताया गया था। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। सो पहले तो 11, 12, 13 वीक में जेंडर पता किया जा सकता है, लेकिन इतना एक्यूरेट वो नहीं होता, वो एक्यूरेसी आती है 20 वीक्स के बाद ही। इनफैक्ट मैं आपसे ये कहूँगी, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो, आप गूगल करें, आप पता लगाएं
फॉरेन कंट्रीज में तो 20 वीक्स के बाद जो स्क्रीनिंग पे जो जेंडर देखे जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा, जो खुद वो स्क्रीन में देख रहे होते हैं, उसके बाद भी कितनी बार जेंडर रॉन्ग प्रिडिक्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद भी एक्चुअल में क्या होता है, बच्चे की पोजीशन वो नहीं है, बच्चा वैसे बैठा नहीं है, उल्टा मुंह करके बैठा हुआ है, या उसने अपने पैरों को मोड़ा हुआ है, या आप जो बच्चे की एम्बिलिकल कॉर्ड है उससे आप कन्फ्यूज हो गए हो, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कंफ्यूज कर देती हैं और जिससे गलत जेंडर प्रिडिक्ट हो जाता है। या फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि अब अगर आप फॉरेन कंट्री में हो और आप अपना जेंडर प्रिडिक्ट कराने गए हो और अगर बच्चे की पोजीशन सही नहीं बन रही है 20 वीक के बाद भी, या 14, 15 या 16, 17 वीक में भी, तो आपको वापस भी भेज दिया जाता है कि अभी बच्चे की पोजीशन सही नहीं बन रही है, वो जेंडर नहीं देख पा रहे हैं। तो सोचो, जहाँ पे विदेशों में इतनी गलतियाँ हो जाती हैं या उन्हें बहुत ज़्यादा टेक्निकल होना पड़ता है और उन्हें इंतज़ार करना होता है 20 वीक्स के बाद का, वहाँ इंडिया में 10वें, 11वें, 12वें वीक में कोई फोटो देख के जेंडर कैसे बता सकता है। सो फ्रेंड्स, मैं यही बोलूँगी, इनके चक्करों में आप बिल्कुल ना पड़े, ये सिर्फ तुक्के लगाते हैं अपने, बाकी वो होता है ना, हेड थ्योरी होती है, नब थ्योरी होती है, इन सब चीज़ों को देख के लोग तुक्के लगाते हैं, तो आप इनके चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़े। एक्यूरेट आपको कोई नहीं बता सकता, वो तो जब बच्चा पैदा होगा तभी आपको पता चलेगा, और हम ये फन गेम्स खेल सकते हैं प्रिडिक्शंस वाले, जो हम करते ही हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय, टेक केयर।